हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक है और एक्सरसाइज है उसमें 9A। जो चैप्टर है उसका नाम है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे इस एक्सरसाइज का, और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके सामने है, इसको आप ध्यान से समझेंगे तभी इसके सॉल्यूशन को कर पाएंगे। वैसे तो ये बिल्कुल ही आसान है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फिगर नज़र आ रही है और ये आसानी से हो जाएगा। आपको क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जो आपको फिगर दे रखी है इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि ए बी सी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि ए बी सी डी के पैरेलल आपको दी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी दिया हुआ है कि पी बी सी का मिड पॉइंट है, मतलब जो ये वाला जो लाइन सेगमेंट है और जो ये वाला लाइन सेगमेंट है ये दोनों बराबर है। पी मिड पॉइंट हुआ ना, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, जिसकी वजह से बी पी सी पी के बराबर दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? ऑन प्रोड्यूसिंग ए पी एंड डी सी मीट एट क्यू। जो किसको? ए पी को। इस ए पी को प्रोड्यूस किया गया बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर ए पी को प्रोड्यूस किया गया, और साथ में डी सी को प्रोड्यूस किया गया, डी को सी की तरफ प्रोड्यूस किया गया, दोनों के दोनों आपस में बढ़ाने पर क्यू पॉइंट पर काटते हैं, आपको जैसा कि नज़र आ रहा है ये दे रखा है। फिर आपसे पूछा हुआ है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी क्यू, ए बी सी क्यू के बराबर है, ये दोनों लाइन सेगमेंट बराबर प्रूव करने हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि जो डी क्यू है वो डी सी प्लस ए बी के बराबर है क्या? डी क्यू मतलब जो ये लाइन सेगमेंट है ये डी सी प्लस ए बी के बराबर है क्या? तो ये भी प्रूव हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये तो था आपका क्वेश्चन, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे कैसे वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बस समझ में आ जाए। हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगलों को लेंगे, इन दो ट्रायंगलों के अंदर जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। फिर ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर, फिगर में तो आपको शो कर रखा है लेकिन ये कारण क्या है इसका दोनों का बराबर होने का, स्टेटमेंट में आपको दिया नहीं हुआ। तो ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दो पैरेलल है और ये इस प्रकार से काट रहे हैं तो ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये वाली जो लाइन सेगमेंट है वो इस वाली लाइन सेगमेंट के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट एंगल एंगल साइड रूल से, जिसकी वजह से जो ये ए पी बराबर हो जाएगा पी क्यू के। तो एक तो ये चीज़ पी क्यू के है ना, ए पी, लेकिन इन्होंने पूछा था ए बी इक्वल टू सी क्यू, सॉरी ए बी इक्वल टू सी क्यू प्रूव हो जाएगा बाय सी पी सी टी। फिर आपसे जो पूछा गया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप सी क्यू की जगह पर आप ए बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि डी क्यू के लिए पूछा गया डी क्यू बराबर है दिस प्लस दिस, सी क्यू की जगह आप लिख देंगे ए बी, तो ये हो जाएगा डी सी प्लस में ए बी, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाएगा, ये मैंने आपको ओरली, मैं देखो मैं जब बच्चों को कराता हूँ जब उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो फैक्ट्स क्लियर होते हैं, तो मैं उनको एक बार ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ और वो समझ जाते हैं कि हाँ ऐसा होगा, फिर बाद में उनको करवाया जाता है रिटर्न के अंदर ताकि नोटबुक में कैसे लिखना है वो उनको समझ में आ जाए। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो अब आप सॉल्यूशन को देखिए समझिए। देखिए आपको क्या करना होगा, दो नौ ट्रायंगल लेने हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल पी सी क्यू, एक ट्रायंगल ये लिया एक ट्रायंगल ये लिया।
इन दो ट्रायंगलों के अंदर आपको जो दिया गया है वो देखिए, आपको दिया गया है कि BP बराबर है PC के। आप लिखेंगे क्यों, गिवन। आप ये भी लिख सकते हैं जो उन्होंने दे रखा है कि AQ, यही दिया हुआ ना कि यहाँ था AP एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये दे रखा है। तो आप लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये स्टेटमेंट लिख देंगे जो पूछ दे रखी थी। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो लिखेंगे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, कारण इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हो गया, दो चीज़ें हो गई हमारी। अब क्यों, जैसे अब इसको इस प्रकार से क्रॉस बन रहा है, जैसे ऊपर भी बन रहा है क्रॉस, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं और इसी प्रकार से ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो एंगल, इसको मैं नाम देता हूँ थ्री और इसको नाम दिया फोर, एंगल थ्री बराबर है एंगल फोर के, कारण इसका क्योंकि ए बी पैरेलल टू डी क्यू। देखिए ये डी सी को ही प्रोड्यूस किया ना, तो डी सी और डी क्यू दोनों एक ही बात हुई पैरेलल के केस में, कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है तो वो डी क्यू की भी पैरेलल होगी क्योंकि डी सी को ही प्रोड्यूस किया गया है। तो ए बी पैरेलल टू डी क्यू, और ए क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल है, इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है जो एक लाइन है वो दो लाइनों को अलग अलग पॉइंटों पे काट रही है, एक पॉइंट ये हो गया एक पॉइंट ये हो गया, तो ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो फिर जो एंगल्स एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर हुआ किस वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तीन चीज़ें हो गई। तो फिर अब आप लिखेंगे बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। अब ये एंगल साइड एंगल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दो एंगल और उनकी बीच की साइड अगर होती है ना तब एंगल साइड एंगल लगता है, लेकिन ये दो एंगल और कोई इन दोनों के बीच की साइड नहीं है। वो जैसे यहाँ पर थ्री एंगल है और एंगल वन है, और इन दोनों से जो इन दोनों एंगलों के बीच जो कॉमन आर्म है वो ये है, लेकिन ये बराबर नहीं दे रखी, हमें बराबर ये वाली दे रखी है जिसकी वजह से। और इसी प्रकार से जो ये वाला एंगल एंगल टू है ये, और एंगल फोर, और इन दोनों के बीच की साइड नहीं है, ये वाली साइड है एंगल टू और एंगल फोर की बीच की साइड, तो ये होगी, लेकिन ये तो बराबर नहीं दे रखी। और इसी प्रकार से एंगल थ्री और ये ऊपर लिखा था एंगल वन, इनके बीच की साइड ये थी जो कि बराबर नहीं दे रखी, बराबर ये वाली दे रखी है BP। तो इसलिए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल इस्तेमाल नहीं हुआ, इस्तेमाल हुआ है तो वो है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, गुड। तो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल प्रूव हो जाता है कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू। अब देखिए दो एंगल्स बराबर दे रखे तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट तो वैसे ही निकल जाएंगे, कि ए पर बना एंगल क्यू पर बने एंगल के बराबर है, इसलिए ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ क्यू, और पी पर बना एंगल एंगल वन इस पी पर बने एंगल एंगल टू के बराबर है, तो पी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ पी, जो कि थर्ड पोजिशन पर है, सेकंड पोजीशन ब्लैंक छोड़ दी, बचा हुआ पॉइंट यहाँ आ जाएगा जो कि सी है। ठीक है, तो ये इतना आपको करना ज़रूरी है। इतना करने के बाद अब आप लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू सी क्यू, कारण कारण ऑब्वियसली सी पी सी टी कॉरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद एक बात प्रूव हो गई जो कि हमने ये प्रूव करना था, इसके बाद ये वाला पार्ट है। अब आप ये देखिए कि जो
डी क्यू है वो बराबर है डी सी प्लस में सी क्यू के। डी सी प्लस सी क्यू को जोड़ें तो पूरा हमें डी क्यू मिल जाता है। लेकिन सी क्यू जो है अभी हमने प्रूव किया कि वो ए बी के बराबर है, तो मैं डी सी क्यू की जगह ए बी लिख सकता हूँ, तो ये वाला पार्ट जो है ये भी प्रूव हो जाता है। क्लियर है, यहाँ लिख सकते हैं आप हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये भी हो गया। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, कमेंट करना है आपने अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।